निर्भया फंड, ये वो फंड है जिसे महिलाओं की सुरक्षा के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है, लेकिन उसे इस्तेमाल कर रहे हैं नेता लोग। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक निर्भया फंड के तहत मुंबई पुलिस की खरीदी गई कई गाड़ियों का इस्तेमाल इस साल जुलाई में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के विधायकों और सांसदों के लिए किया गया। याद दिला दें कि ये वही फंड है जो महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2013 में महिला सुरक्षा के लिए बनी योजनाओं के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए राज्यों के लिए बनाया था। यानी इसका इस्तेमाल महिलाओं की सुरक्षा में खर्च के लिए बनाया गया था। लेकिन हुआ क्या, जरा पूरी तस्वीर देख लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों से निपटने के लिए इस साल जून में मुंबई पुलिस ने 220 बोलेरो, 35 अर्टिगा गाड़ियां, 313 पल्सर मोटरसाइकिल और 200 एक्टिवा स्कूटर खरीदी। इसके लिए निर्भया फंड से 30 करोड़ रुपए निकाले गए। फिर जुलाई में इन गाड़ियों को अलग अलग पुलिस स्टेशन में बांटा गया ताकि इनका सही इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन असल में हुआ क्या, हुआ ये कि इन गाड़ियों का इस्तेमाल नेताओं को सुरक्षा देने में किया गया। वो क्यों, आगे सुनिए। आपको याद होगा इस साल जुलाई में महाराष्ट्र में सियासी उठापटक हुई और उसी के बीच एकनाथ शिंदे गुट के 40 विधायकों और 12 मंत्रियों को वाई प्लस सुरक्षा देने के लिए मोटर ट्रांसपोर्ट विभाग ने मुंबई पुलिस से 47 बोलेरो देने की गुजारिश की। सुरक्षा व्यवस्था करने की ये गुजारिश वीआईपी सिक्योरिटी विभाग की तरफ से की गई। इसीलिए 47 बोलेरो दिए गए, लेकिन उनमें से 17 वापस आ गए, लेकिन 30 गाड़ियां अब भी वापस नहीं आई हैं। बता दें कि वाई प्लस लेवल की सुरक्षा में एक गाड़ी के साथ 5 पुलिसकर्मी व्यक्ति की सेवा में लगाए जाते हैं जो कि 24/7 ड्यूटी पर रहते हैं। इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से भी बात की, जिन्होंने कहा कि जून में नई बोलेरो गाड़ियां खरीदने के बाद अलग अलग पुलिस स्टेशन को दी गई ताकि जिन पुलिस स्टेशन में गाड़ियों की कमी है वहां इस कारण जरूरी काम न रुके। उन्होंने कहा कि शहर के 95 पुलिस स्टेशन को गाड़ियां दी गई थी। संवेदनशील इलाकों की पहचान करते हुए कुछ पुलिस स्टेशन को एक गाड़ी दी गई जबकि कुछ पुलिस स्टेशन को दो गाड़ी दी गई। अखबार में लिखा गया कि पुलिस स्टेशन को गाड़ी दिए जाने के कुछ दिन बाद सुरक्षा में लगाने के लिए इन्हें वापस मांग लिया गया। वहीं मोटर ट्रांसपोर्ट विभाग में एक सूत्र ने कहा कि सुरक्षा के लिए गाड़ियों की व्यवस्था उन्हें करनी थी, जिसके लिए उन्हें अस्थायी तौर पर 30 गाड़ियां पुलिस स्टेशन से वापस मांगी। पुलिस स्टेशन की गुजारिश पर कुछ गाड़ियां वापस मिली, लेकिन अभी भी कुछ गाड़ियां नहीं आई हैं। कुल मिलाकर निर्भया फंड की वो गाड़ियां जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होनी थी, उनका इस्तेमाल हुआ शिंदे के विधायकों को सुरक्षा देने के लिए। और तो और, जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक सारी गाड़ियां लौटाई नहीं गई हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।